दादाजी पार्क को टाइगर रिजर्व के रूप में स्थापित किया जा रहा है, लेकिन इसका पश्चिमी क्षेत्र आज भी बाघों को लेकर तरस रहा है। शायद यही वजह है कि उत्तराखंड सरकार प्रोजेक्ट टाइगर के माध्यम से क्षेत्र की वीरानी को मिटाना चाहती है, लेकिन ये काम इतना भी आसान नहीं है। इसकी वजह यहाँ पहले से ही वर्चस्व स्थापित कर चुके गुलदार हैं, जिनकी इस क्षेत्र में अच्छी खासी संख्या मौजूद है। ताकतवर बाघ के मुकाबले गुलदार को लेकर ये बातें अटपटी लगती हैं, लेकिन राजा जी टाइगर रिजर्व की यही सच्चाई है। राजा जी टाइगर रिजर्व का पश्चिमी हिस्सा टाइगर की मौजूदगी वाला नहीं रहा। हैरानी की बात तो ये है कि टाइगर रिजर्व के पूर्वी हिस्से में टाइगर्स की अच्छी खासी संख्या है, जबकि पश्चिमी क्षेत्र में टाइगर कभी आना ही पसंद नहीं करते। इसकी क्या वजह रही ये कहना मुश्किल है, लेकिन आंकड़ों के रूप में देखें तो राजा जी टाइगर रिजर्व के पूर्वी हिस्से में करीब 40 से 50 बाघ मौजूद हैं। दूसरी तरफ पश्चिमी हिस्से में प्रोजेक्ट टाइगर के शुरू होने से पहले मात्र 4 से 5 टाइगर ही विचरण कर रहे हैं, जो अब बढ़कर करीब 12 हो गए हैं। राजा जी टाइगर रिजर्व में बाघों को लाने के लिए NTCA यानी कि नेशनल टाइगर कन्वर्जेशन अथॉरिटी की मंजूरी के बाद प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया गया। दिसंबर 2020 में कॉर्बेट टाइगर रिजर्व से पहला बाघ लाया गया। इसके बाद जनवरी 2021 में दूसरे बाघ को ट्रांसलोकेट किया गया। इस तरह अब तक कॉर्बेट टाइगर रिजर्व से राजा जी टाइगर रिजर्व में 4 बाघ लाए जा चुके हैं, जबकि जल्द ही एक और बाघ लाने की तैयारी है। राजा जी टाइगर रिजर्व में प्रोजेक्ट टाइगर के लिए गुलदार खतरा बन गए हैं। दरअसल इस पूरे क्षेत्र में गुलदार अच्छी खासी संख्या मौजूद है, इसके विपरीत बाघ सीमित संख्या में ही यहाँ विचरण कर रहे हैं। हाल ही में प्रोजेक्ट टाइगर के तहत 4 बाघ यहां लाए गए हैं, जिसके बाद क्षेत्र में बाघों का कुनबा बढ़ने की उम्मीद लगाई जा रही है। लेकिन पिछले दिनों हुए एक घटना ने प्रोजेक्ट टाइगर को बड़ा झटका दे दिया। पिछले दिनों एक बाघिन ने 4 शावकों को जन्म दिया था। शिकार के लिए बाघिन के कुछ दूर निकलने पर गुलदार ने 2 शावकों को मार दिया। शावकों के शव वन विभाग ने जंगल से ही बरामद किए। इस तरह क्षेत्र में काफी संख्या में मौजूद गुलदार बाघों के कुनबे के लिए मुसीबत बन गए हैं। गुलदार की संख्या अच्छी खासी होने के कारण बाघिन और उसके शावकों ने इनका आमना सामना होने की संभावना ज्यादा है। अब ऐसे में छुपकर वार करने वाला गुलदार शावकों के लिए हर समय परेशानी बन सकता है। हालांकि PCCF वाइल्ड लाइफ डॉक्टर समीर सिन्हा कहते हैं कि यह जंगल में प्राकृतिक संयोग है। इस तरह की घटना राज्य टाइगर रिजर्व में हुई है, जिसके कारण 2 शावक मारे गए हैं। संभवतः बाघिन शिकार के लिए निकली थी और इस दौरान घात लगाए गुलदार ने शावकों को मार दिया। कि बाघ यानी टाइगर चूंकि ज़्यादा बड़ा होता है, ज़्यादा शक्तिशाली होता है, तो जिन इलाकों में बाघों का घनत्व बहुत अच्छा है वहाँ गुलदार की संख्या अपेक्षाकृत कम रहती है। और कई मौक़ों पर यह भी देखा गया है कि बाघ जो है वो गुलदारों को मार देते हैं। ये एक ऐसी परिस्थिति है जो राजा जी में भी सामने आई है, जहाँ पर अपेक्षाकृत बाघों की संख्या कम है और गुलदारों की संख्या और घनत्व भी वहाँ अपेक्षाकृत अच्छा है। तो ये एक प्राकृतिक संयोग की बात है कि उस इलाके में माँ शायद किसी और इलाके में भोजन की तलाश में अगर गई होगी तो गुलदार का सामना होने पर इन बाघ के शावकों की मृत्यु हो गई। लेकिन ये एक प्राकृतिक नियम का हिस्सा है और इसमें बहुत ज्यादा हस्तक्षेप की गुंजाइश नहीं रहती है। तो सर, आज राजी टाइगर रिजर्व में भले ही गुलदार बाघों के सर्वाइव के लिए मुसीबत बन रही हो, लेकिन हकीकत ये है कि यहाँ टाइगर अच्छी खासी संख्या में होते हैं, वहाँ से गुलदार पलायन कर जाते हैं। उत्तराखंड में फिलहाल कुल 560 बाघ मौजूद हैं, जबकि गुलदारों की संख्या राज्य में करीब 3115 बताई जा रही है। इस तरह देखें तो उत्तराखंड में बाघ के मुकाबले गुलदार काफ़ी बड़ी संख्या में है, लेकिन देखा गया है कि जिन इलाकों में बाघों की संख्या ज़्यादा है वहाँ गुलदार जंगलों से बाहर निकल आते हैं। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व और उसके आसपास के क्षेत्र इसका एक बड़ा उदाहरण है। ऐसा इसलिए क्योंकि इन दोनों ही शिकारी वन्य जीवों के आमने सामने आने पर बाघ गुलदार का भी शिकार कर देते हैं, जिससे कम ताकतवर होने के कारण गुलदार बाघों के रास्ते से अलग रहना ही पसंद करते हैं। लेकिन राजा जी टाइगर रिजर्व में अब तक गुलदारों का ही राज जारी है, इसलिए अब बाघों की संख्या बढ़ने पर इनका आमना सामना भी हो रहा है। देखिए, हालांकि राजा जी टाइगर रिजर्व के पश्चिमी हिस्से में भी गुलदार या बाघों के लिए खाने के लिए कोई कमी नहीं है और यहाँ पर्याप्त संख्या में वन्यजीव भी मौजूद हैं। शायद यही कारण है कि क्षेत्र में भी बाघों को लाने और इनकी संख्या बढ़ाने का कार्यक्रम तय किया गया। अब न केवल उत्तराखंड वन विभाग बल्कि NTCA जैसे संस्थानों की भी नज़र बाघों की संख्या बढ़ाने वाले इस कार्यक्रम पर है।